पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कहते हैं देश और शहर के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो बड़ी सी बड़ी मंजिल आसान हो जाती है। मुरादाबाद हरतरा कॉलोनी के रहने वाले विपिन सैनी ने मुरादाबाद तक किया नाम रोशन। अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। मुरादाबाद लौटने पर कहा शहर का नाम करना चाहता हूँ विश्व में रोशन। विपिन सैनी का कहना है कि मैं 2011 बेसिक का माउंट ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद एडवांस माउंट ट्रेनिंग कोर्स करने के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले ले लद्दाख की सबसे बड़ी चोटी पर विपिन सैनी ने तिरंगा लहराया और उनके कदम यही नहीं रुके, वह देश के तिरंगे की शान के लिए आगे बढ़ते रहे। 26 जनवरी को उन्होंने साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी पर देश का तिरंगा लहराकर मुरादाबाद शहर का नाम रोशन कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा मुरादाबाद के रहने वाले स्वर्गीय रवि कुमार के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वे भविष्य में माउंट एवरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी पर तिरंगा लहराकर इस शहर का नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहते हैं। सुविधाएं भले ही कम हो मगर हौसला कम नहीं है। कुल मिलाकर जो भी हो, ऐसे खिलाड़ियों का यदि हौसला अफजाई की जाए तो वह पूरे विश्व में शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा नाम पर्वत विपिन सैनी है और मैं जनपद मुरादाबाद हरतले का निवासी हूं और मैंने 26 जनवरी को माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है। किसका सहयोग रहा सर? मेरा सहयोग इसमें सबसे पहले इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन का रहा और जो स्वर्गीय श्री रवि जी हैं उनके नेतृत्व में मैंने ये काम किया और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह मेरी वो हेल्प करते रहें। सर मैंने 2011 में माउंटेनिंग क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा और उसके लगातार प्रयास करते हुए मैंने भारत की कई ऊंची ऊंची चोटियां पे भारतीय तिरंगा लहराया है। अभी हाल ही में अक्टूबर में मैंने माउंट धर्मसुरा, जिसको व्हाइट सेल के नाम से जाना जाता है, 21,000 फीट उसकी ऊँचाई है, वो मैंने सबमिट की है और सर्च एंड रेस्क्यू मैंने कोर्स किया है इसी में। और मैं आशा करता हूँ कि मुरादाबाद के लोग मुझे जाने और मेरा